शासकीय चतुर्थ दिवस माता कुष्मांडा की पूजा अर्चना करके उनके आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। जय माता की भक्तों, माता कुष्मांडा की कथा। आइए भक्तों, आज नवरात्र के चतुर्थ दिन सब मिलकर देवी दुर्गा की चतुर्थ शक्ति माता कुष्मांडा जी की कथा का श्रवण करके उनकी कृपा प्राप्त करें और समस्त रोगों दोषों एवं शोक से निवृत्त होकर अपने जीवन को सुखमय बनाते हैं। अर्थात ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से जाना जाता है। जब सृष्टि का कोई अस्तित्व न था एवं जगत में चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब देवी ने अपने ईश्वरीय हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। स्वरूपा उत्पत्ति कर्ता आदि शक्ति देवी हैं। इनका निवास सूर्य मंडल के भी अंतःलोक में स्थित है और इनके सिवा सूर्य लोक में निवास करने की क्षमता और किसी में नहीं। इनके स्वरूप का मुख्य अंश इनकी सूर्य के समान उज्जवल स्वयं जाज्वल्यमान आभा है, जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। इन्हीं के तेज से ब्रह्मांड की सभी दिशाएं प्रकाशमान होती हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में सभी जीवों में जो भी तेज विद्यमान है, यह उन्हीं के तेज का एक सक्षम अंश है। इनकी 8 भुजाएं हैं। इनके 8 हाथों में क्रमशः कमल, चक्र, बाण, धनुष, कमंडलू, गदा, अमृत कलश एवं सर्व सिद्धि दायन जप माला है। इनका वाहन सिंह है। इन देवी को बलियों में कुमड़े की बलि अति प्रिय है, इसलिए भी इन्हें कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। माता कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के रोगों व समस्त शोकों का नाश हो जाता है तथा बल एवं आयुष की प्राप्ति होती है। जो भी भक्त शास्त्रों में वर्णित विधि विधान अनुसार देवी कुष्मांडा की उपासना सच्चे मन से करता है, उसे परम पद प्राप्ति होती है। इसलिए भक्तों को अपने लोक पर लोक के सिद्धि एवं उन्नति के लिए देवी की अर्चना माँ कुष्मांडा को मन में स्थापित कर नवरात्र के चतुर्थ दिवस में करनी चाहिए। माता की उपासना का मूल मंत्र है ओम।